क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अगर एक ऐसे आइलैंड में छोड़ दिया जाए जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी हो और आपको सर्वाइव करने हैं पूरे 100 डेज, वो भी एक हार्डकोर वर्ल्ड में जहां पर एक छोटी सी गलती आपका गेम ओवर कर सकती है। तो क्या आपको लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा पूरे 100 डेज इस हार्डकोर आइलैंड में? जानने के लिए आपको भी मेरे साथ चलना होगा इस जर्नी में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। डे वन पर मैं स्पॉन हुआ था एक ऐसे आइलैंड में जहां पर एक पेड़ था, कुछ डर्ट थी और उसके अलावा चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। मैंने फटाफट से वुड कलेक्ट की, अपने लिए बेसिक टूल्स बनाए और सैपलिंग को दोबारा से रिप्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने पूरा एरिया क्लीन किया और मुझे जितने भी सीड मिले मैंने उनको रिप्लांट कर दिया ताकि मुझे फूड की कोई भी कमी ना हो। क्योंकि मेरा आइलैंड बहुत छोटा था इसलिए मैंने डर्ट इकट्ठा करके अपना जो आइलैंड है उसको बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड किया स्टोन में और थोड़ी देर बाद मुझे कोल भी मिल चुका था, मैंने उसको भी कलेक्ट किया और थोड़ा सा और माइन करने के बाद मुझे आयरन मिल चुका था, काफी सारा आयरन था। तो उसको मैंने स्मेल्ट करने रख दिया ताकि मैं फटाफट से अपने टूल्स को आयरन में अपग्रेड कर सकूं। आयरन की पिकैक्स बनाते ही मुझे कोल भी मिल चुका था, मैंने उसको कलेक्ट किया और ऊपर आके अपना जो आइलैंड है उसको मैंने लाइट अप करना स्टार्ट कर दिया। काम करते करते रात हो चुकी थी और मौसम भी खराब था और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहां पे तो सो सकता ही नहीं क्योंकि मेरे पास बेड नहीं था। तो मैं नीचे वापस माइन में गया और अपना काम कंटिन्यू करा। माइनिंग करते करते सुबह हो चुकी थी और मेरे पास बहुत सारा कोल भी इकट्ठा हो चुका था। मैं बाहर आया, मैंने आसपास देखा, बहुत सारा कैल्प था, मैंने कैल्प को तोड़ा और उसको मैंने फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और इतने में ही मेरा पेड़ भी ग्रो हो चुका था, मैंने उसको कट किया, दोबारा से रिप्लांट किया और मैं निकल गया एक्सप्लोर करने। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक अंडर वाटर र्यून मिला जिसमें एक चेस्ट थी। मैंने सोचा कि मैं उसको लूटूंगा लेकिन आसपास बहुत सारे ड्राउन थे और मैं उनका खाना बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। मैं उसको चाहता तो लूट सकता था बट मेरे पास खाना नहीं था इसलिए मैं वापस घर आ गया। घर आते ही मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था तो मैंने फटाफट से अपने बाकी सारे टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड किया, कुछ फिश को मारा ताकि मैं खाना खा सकूं और मैं दोबारा से माइनिंग के लिए निकल गया। काफी देर माइन करने के बाद मुझे एक अंडर वाटर रिवीन दिखी जहां पर मुझे मेरा पहला डायमंड मिला था। डायमंड देख के खुशी तो बहुत हुई थी पर मैं उसको माइन नहीं कर सका क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था और आसपास खतरा भी बहुत था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में आके माइन करूंगा और मैं वापस आ गया वहां से। ऑन डे 3 मैं दोबारा से चले गया ओशन में एक्सप्लोर करने और थोड़ी दूर एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक शिपरैक मिली जिसमें काफी अच्छी लूट थी और अब जाके मेरे पास फूड के कुछ और भी रिसोर्सेज थे। मेरे को कुछ कैरेट मिले थे, कुछ बैम्बू मिले थे, कुछ वीट मिला था और साथ में सबसे बेस्ट चीज अब मेरे पास फाइनली एक इंचेंटेड लेदर का आर्मर था। मैंने सारी चीजों को कलेक्ट किया और मैं वापस आइलैंड की तरफ आ गया। पूरा दिन ओशन एक्सप्लोर करने के बाद रात के वक्त फाइनली मुझे एक और शिपरैक दिखी जिसके अंदर एक चेस्ट थी और वहां पे काफी सारी अच्छी लूट थी। मतलब वहां पे पहली बार मुझे पोटैटो मिला था और अब जाके मेरे पास फूड का एक और रिसोर्स था। मैंने फटाफट से चेस्ट कलेक्ट की और मैं वापस अपने आइलैंड की तरफ आ गया। वापस अपने आइलैंड पे पहुंचने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और वो ये कि मैंने एक हेलमेट पहना था जिसमें लगा हुआ था कर्स ऑफ बाइंडिंग, यानी कि अब जाके ये हेलमेट मैं कभी नहीं उतार सकता। सिर्फ दो ही कंडीशन है, या मैं मरूंगा या फिर अपने आप ये हेलमेट टूट के गिरेगा। तो अब मुझे इंतजार था इस कर्स के टूटने का। सुबह होते ही मैं एक और बार निकल गया एक्सप्लोर करने और थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक छोटा सा आइलैंड मिला जो कि शुरू होते ही खत्म था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज थी जो मेरी जर्नी को बहुत आगे लेके जा सकती थी, वो थी शुगर केन। तो फाइनली अब मेरे पास शुगर केन भी हो चुका था। काफी एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक अंडर वाटर र्यून्स दिखा जिसके अंदर एक चेस्ट थी और उसमें थी एक बहुत कमाल की चीज, वो थी एक इंचेंटेड फिशिंग रॉड। और अब जाके मैं और ज्यादा फूड कलेक्ट कर सकता था। पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद जब मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं आइलैंड पाया और मैंने फिशिंग स्टार्ट कर दी। मैंने फिशिंग स्टार्ट करी ही थी कि मुझ पे फैंटम ने अटैक करना स्टार्ट किया और फैंटम से बचने के लिए मैं निकल गया माइनिंग के लिए। पूरी रात माइनिंग करने के बाद डे 5 की सुबह जब मैं वापस लौट रहा था मुझे दो स्पाइडर दिखी, मैंने उनको किल किया और मुझे मेरा पहला स्ट्रिंग दिखा। अब जाके मैं अपने बेड के थोड़ा सा करीब पहुंच चुका था, मैं वापस आइलैंड पाया और मैंने फिशिंग स्टार्ट कर दी। और डे 6 की सुबह होने तक मैंने काफी सारे फिश कलेक्ट कर ली थी। डे 6-7 पूरा टाइम मैंने अपने फार्म पर काम किया और रात होते होते दोबारा से फैंटम ने मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन एक एक करके मैंने उन सबको मार गिराया। साथ में मैं अपना आइलैंड भी एक्सपेंड कर रहा था और दोबारा से अपने सीड्स को भी रिप्लांट कर रहा था ताकि मेरे पास फूड की कोई भी कमी ना रहे। डे 8 की सुबह होते ही मैं दोबारा माइनिंग के लिए निकल गया और सबसे पहले मैं उन डायमंड के पास गया जो मैंने पहले छोड़ दिए थे। मैंने उनको माइन किया
और मुझे 4 डायमंड वहां से मिले। मैंने उनको कलेक्ट किया और आगे माइनिंग करता रहा। थोड़ी देर में ही मेरी पिकैक्स टूट चुकी थी, इसलिए मैं वापस आइलैंड पर आया और मैंने अपनी पहली डायमंड की पिकैक्स बनाई। उसके बाद मैं वापस माइनिंग के लिए निकल गया, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरन और कोल ही मिला। डे 9 पर मुझे कुछ और डायमंड्स मिले, मैंने उनको कलेक्ट किया और मैंने अपनी माइनिंग आगे कंटिन्यू की। थोड़ी देर तक और माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे एक माइन शाफ्ट मिल चुकी थी। इससे पहले माइन शाफ्ट मिलने की इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि अब जाके मैं यहाँ से स्ट्रिंग कलेक्ट कर सकता हूँ और अब जाके मैं शायद अपने लिए एक बेड भी बना पाऊंगा। माइन शाफ्ट में घुसने की देरी थी कि मुझ पे क्रीपर ने अटैक कर दिया। उससे मैं जैसे तैसे निपटा ही था कि मैंने देखा सामने की तरफ से ज़ॉम्बीज का एक झुंड मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। मैंने एक एक करके उनको भी मार गिराया और मैं आगे एक्सप्लोर करने लगा, क्योंकि खतरा आगे और भी बढ़ने वाला था। इसलिए मैंने अपने टूल्स को फटाफट से डायमंड में अपग्रेड किया और मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर मैंने देखा कि बहुत सारे कोव वेब्स हैं और उसके पास में एक स्पॉनर मुझे दिखाई दिया, जो कि था एक स्पाइडर का स्पॉनर। और जो यहां से स्पाइडर निकलते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने उस स्पॉनर को तोड़ा। वहां पर बहुत सारी कोव वेब्स थी, मैंने उसको कलेक्ट किया और अब जाके फाइनली मेरे पास बेड बनाने के लिए वूल इकट्ठा हो चुका था। स्ट्रिंग कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट से वापस आइलैंड पर गया। वहां जाते जाते रात हो चुकी थी, वहां पर कुछ स्पाइडर थे, मैंने उनको मारा और उसके बाद से फाइनली अपने लिए बेड बना के मैं सो गया। क्योंकि मेरे पास अब बेड हो चुका था, अब जरूरत थी मुझे एक सुंदर सा घर बनाने की। इसलिए डे 10 से लेकर डे 12 तक मैं पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में लग गया घर के लिए सामान इकट्ठा करने में। मैंने काफी सारे सैपलिंग्स लगाए थे और जैसे ही वो ग्रो हो रहे थे उनको कट करने के बाद दोबारा से मैं रिप्लांट कर रहा था, और साथ में ही अपना जो फार्म है मैं उन पर भी काम कंटिन्यू कर रहा था। और इसी तरह ये 3 दिन पूरी तरह घर की तैयारियों में निकल गए। डे 13 की सुबह से मैंने अपना घर का काम स्टार्ट कर दिया था और उस दिन मैंने अपने घर की पहली नींव रखी। तो मैं कुछ डिफरेंट सा घर बनाने वाला था, इसलिए इस घर को बनाने में मुझे लगे पूरे 7 दिन, और वो 7 दिन अब आप लोग एंजॉय करिए इस टाइम लैप्स के साथ में। डे 20 की मॉर्निंग में मेरा घर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब जाके मैंने अपना जितना भी सामान बाहर बिखरा पड़ा था उसको घर के अंदर शिफ्ट किया और उसके बाद मैं लग गया इंटीरियर पे। अब अगर घर इतना सुंदर बना था तो घर के बाहर का एरिया भी सुंदर बनाना था, इसलिए पूरे 2 दिन लग के मैंने अपने फार्म को बनाया और साथ में अपने लिए एक फ्रेश न्यू जंगल बनाया जहाँ पर मैं अपने ट्री को प्लांट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर इस आइलैंड में ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डे 23 की सुबह होते ही मैं फिर से माइनिंग के लिए निकल गया। मैं माइनिंग के लिए जा ही रहा था कि सीढ़ियों में मुझे सफ़ेद कपड़ों में एक लड़का दिखाई दिया। मैंने उससे नाम पूछा तो उसने बोला स्केलेटन। नाम सुनते ही मैंने उसकी खोपड़ी पर 2 तलवारें मारी और मैं आगे बढ़ गया। पूरा दिन माइनिंग करने के बाद मुझे फाइनली 8 डायमंड के ओर मिले। मैंने उनको कलेक्ट किया और अपनी माइनिंग आगे कंटिन्यू करी। माइनिंग करते करते डे 24 में मुझे कुछ और डायमंड्स मिले, मैंने उनको कलेक्ट किया और थोड़ी ही दूर जाके मेरी पिकैक्स भी टूट गई। मैंने वहीं पर अपने लिए एक नई डायमंड की पिकैक्स बनाई और थोड़ी देर में मुझे एक और डायमंड मिला, मैंने उसको कलेक्ट किया और आगे अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। माइनिंग करते करते डे 26 की सुबह हो चुकी थी और मुझे उसके अलावा कोई भी डायमंड नहीं मिला, इसलिए मैं वापस घर आ गया। घर वापस आने के बाद अब बारी थी एक एक्सपी फार्म बनाने की, इसलिए मैंने उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। मैंने एक छोटा सा ब्रिज बनाया जो मेरे एक्सपी फार्म से मेरे आइलैंड को कनेक्ट करता था। ब्रिज बनाते बनाते हो चुकी थी मुझे रात, इसलिए मैं चले गया सोने के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ में अपना आइलैंड भी एक्सपेंड कर रहा था। इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास इनफ स्टोन नहीं है एक्सपी फार्म के लिए, इसलिए डे 27 में मैं पूरा दिन माइनिंग के लिए चले गया। और स्टोन कलेक्ट करने के बाद डे 28 से मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। और
और पूरे दो दिन बाद मेरा एक्सी फॉर्म बनके एकदम रेडी हो चुका था। डे 30 की सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी अपने लेक नेदर पोर्टल बनाने की, इसलिए मैं गया माइन में ऑब्सीडियन कलेक्ट करने। लेकिन जैसे ही मैं अपनी माइन में पहुंचा, मैंने सामना किया एक बहुत बड़ी हिंसा का। मैंने देखा कि मेरे सामने क्रीपर और स्केलेटन्स में लड़ाई हो रही है और थोड़ी देर में इस लड़ाई का रिजल्ट यह निकला कि दोनों गुटों में से कोई भी नहीं बचा। माइन के अंदर जैसे तैसे जान बचा के मैं ऑब्सीडियन तक पहुंचा और मैंने ऑब्सीडियन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया ही था कि मुझे सामने से जॉम्बी आता हुआ दिखाई दिया और वहाँ पे उससे मेरी फिर से लड़ाई हो गई। यहाँ पे ऑब्सीडियन माइन करना इतना आसान नहीं था क्योंकि आसपास से बहुत सारे मॉब्स मुझ पर अटैक कर रहे थे। जैसे तैसे अपनी जान बचा के मैंने 18 ऑब्सीडियन कलेक्ट किए और मैं वापस आइलैंड के लिए निकल गया क्योंकि अब जाना था मुझे नेदर। इसलिए डे 31 की सुबह सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाए गोल्डन कैरेट्स, उसके अलावा मेरे पास जितना भी डायमंड था उससे मैंने अपने लिए बनाए आर्मर और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्ड का एक आर्मर, तो मैंने वो बनाया और मैं निकल गया पोर्टल बनाने के लिए। डे 32 की सुबह पूरी तैयारियों के साथ में मैं एंटर होता हूँ नेदर के अंदर में और वहाँ जाके मैंने देखा कि जो मेरा नेदर पोर्टल है वो एक बहुत ही बेकार जगह में है। वहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है और जहाँ तक नज़र आ रही सिर्फ और सिर्फ मुझे लावा नज़र आ रहा था। तो पूरा एरिया बंद था इसलिए मैंने अपने लिए एक टनल बनानी स्टार्ट की और थोड़ी देर में मुझे एक ओपन एरिया मिल गया। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा वैसे ही मुझ पर एक हॉगलिन ने अटैक कर दिया। मैं हॉगलिन से बच ही रहा था कि उसी टाइम पे एक घास ने भी मुझ पर अटैक कर दिया और मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। जैसे तैसे जान छुड़ा के मैं आगे गया और वहाँ पे एक क्रिम्सन फॉरेस्ट था इसलिए वहाँ पे बचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे कभी भी मुझ पर दोबारा से हॉगलिन का अटैक हो सकता था। मुझे अपने आसपास ब्लेजेस की आवाज़ सुनाई दे रही थी इसलिए मुझे पता था कि आसपास पक्का कोई फोर्ट्रेस है बट मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आसपास माइन करना स्टार्ट किया और मेरी इतनी लकी किस्मत इससे पहले कभी भी नहीं हुई। मुझे जैसे ही मैंने थोड़ा सा माइन किया मुझे एक एंशिएंट डेब्री मिला बट किस्मत साथ में ही मेरी ख़राब हुई थी क्योंकि मैं अपने लिए साथ में यहाँ पर कोई डायमंड की पिकैक्स नहीं लाया था इसलिए वो एंशिएंट डेब्री में भी माइन नहीं कर सकता था। ब्लेजेस की आवाज़ सुन के मैं काफ़ी देर तक आसपास ढूंढता रहा लेकिन मुझे फोर्ट्रेस कहीं भी नहीं दिखाई दिए। उसी दौरान मुझ पर बहुत सारे अटैक हुए लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई और बहुत सारे मैंने हॉगलिंस को भी वहाँ पर किल किया। काफ़ी देर तक आसपास भटकने के बाद फाइनली मुझे मेरी फोर्ट्रेस दिख गई थी और ये फोर्ट्रेस एक बरीड फोर्ट्रेस थी यानी कि पूरी की पूरी ढकी हुई। मैं फोर्ट्रेस के अंदर घूम ही रहा था कि तभी अचानक से एक ब्लेज ने मुझ पर अटैक कर दिया। जैसे तैसे मैंने उसको मारा और उसके बाद से पहले ही ब्लेज ने मुझे एक ब्लेज रॉड दे दी। मैंने उसको कलेक्ट किया और उसी टाइम पर मैंने देखा कि एक विदर स्केलेटन मेरी तरफ बढ़ रहा है लेकिन तभी अचानक से एक फरिश्ता पिगलिन वहां से आया और अपनी गोल्डन सॉर्ड से उसने उस विदर स्केलेटन को मार गिरा है। आगे जाके मैंने एक और प्लेस को मारा और मैं फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करने लगा। मैंने काफी देर तक फोर्ट्रेस एक्सप्लोर की लेकिन मुझे वहां पे ना ही नेदर वॉर्ड दिखाई दिया और ना ही कोई चेस्ट दिखाई दी। मुझे एक स्पॉनर दिखाई दिया इसलिए मैं वहां पर गया और मैंने ब्लेजेस को मारना स्टार्ट कर दिया। काफी देर तक ब्लेज को मारने के बाद मेरे पास 14 ब्लेज रॉड हो चुकी थी। मैंने उनको कलेक्ट किया और डे 35 पर मैं ओवरवेल्ड में वापस आ गया। जैसे ही मैं वापस आया मैंने देखा कि मैं एक कोई अलग ही पोर्टल में आया हूँ। मतलब जो मेरा पोर्टल मैंने बनाया हुआ था अपने बेस के पास में वो ये वाला पोर्टल नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए मैं बोट से घर वापस आ गया। डे 36 में एक बार फिर से मैं माइनिंग के लिए निकल गया क्योंकि अभी भी मेरे पास डायमंड की बहुत कमी थी। मेरे पास डायमंड का पूरा आर्मर भी नहीं था और इस बार मेरे पास डायमंड की पिकैक्स बनाने के लिए भी डायमंड नहीं था तो मेरे पास आयरन की पिकैक्स थी और उसी से मैं माइनिंग कंटिन्यू करता गया। जैसे ही मुझे थोड़े से डायमंड मिले मैंने अपने लिए डायमंड की एक नई पिकैक्स बनाई और अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। तो इसी तरह काफ़ी टाइम तक माइनिंग करने के बाद मैंने बहुत सारे डायमंड कलेक्ट किए और डे 38 पर मैं वापस अपने बेस के लिए निकल पड़ा। वापस आते टाइम मैंने कुछ ऑब्सीडियन भी कलेक्ट किए क्योंकि अब जाके मुझे बनानी थी एक एन्चेंटमेंट टेबल इसलिए मैंने वहां से ऑब्सीडियन माइन किए और मैं वापस अपने घर पे आ गया। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई, उसके बाद से अपनी पिकैक्स को एन्चेंट किया और डायमंड की लेगिंग और हेलमेट बना के फाइनली मेरा डायमंड का आर्मर पूरा कंप्लीट हो चुका था। एन्चेंटमेंट रूम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर। पेपर के लिए मेरे पास शुगर केन थे लेकिन लेदर की यहाँ पर बहुत कमी थी, यहाँ पर लेदर बिल्कुल भी था मेरे पास। अब जाके मैंने अपने लिए एक मॉब एरिया बनाया ताकि मुझे ये होप थी कि शायद वहां पे कुछ काव वगैरह स्पॉन हो सके, उनको मार के मैं लेदर इकट्ठा कर सकूं और अपने लिए एन्चेंटमेंट रूम बना सकूं। डे 39 हो चुका था और अब जाके मुझे पेपर की भी जरूरत थी। मेरे को लेदर तो चाहिए था लेकिन साथ में पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मेरे पास जितने भी शुगर केन थे मैंने उनको प्लांट करना स्टार्ट किया और प्लांट करने के लिए मैंने अपना जो जंगल था उसको पूरा काटा और वहां पर उस जगह को मैंने रेडी किया ताकि मैं वहां पर शुगर केन लगा सकूं। मैंने उसके साथ में जितने भी मेरे फार्म्स हैं उन पर
काम किया, मैंने जो वीट थी उसको तोड़ा, दोबारा से रिप्लांट किया और इसी तरीके से हमारा डे 39 निकल गया। इंचेंटमेंट रूम बनाने के लिए लेदर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर से नेदर जाऊंगा और वहां पर हॉगलिंस को मारूंगा। साथ ही मेरे पास जितना भी गोल्ड अभी तक मैंने माइन किया था मैं उनको भी लेके गया था ताकि मैं पिगलिन से ट्रेड कर सकूं और उनसे भी लेदर ले सकूं। नेदर में एंटर करते ही मैंने कुछ क्वार्ट्ज माइन की ताकि मैं बाद में उनका यूज कर सकूं, साथ में कुछ मैग्मा को भी मैंने मारा और उसके बाद से मैं चला गया पिगलिन से ट्रेड करने। ट्रेड करते करते साथ में वहां पर जितना भी मुझे गोल्ड दिख रहा था मैं उनको भी साथ में माइन करते जा रहा था ताकि मेरे पास गोल्ड की कोई भी कमी ना रहे। तो इसी तरह हॉगलिंस को मार के, माइनिंग करके, उनसे ट्रेड करके डे 41 पे फाइनली मेरे पास बहुत सारा लेदर इकट्ठा हो चुका था और मैं वापस ओवरवर्ल्ड के लिए आ गया। डे 42 पर अपने इंचेंटमेंट रूम के लिए मैंने कुछ बुकशेल्फ बनाई। अब जाके मेरे पास लेदर तो था लेकिन अभी भी मेरे शुगर केन बड़े नहीं हुए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एक्सप्लोरेशन के लिए निकलूंगा, शायद इसी आस में मुझे कुछ और चीजें मिल जाएं। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक र्यून पोर्टल मिला और जैसे ही मैं उसके पास गया वहां पे दो गोल्ड के ब्लॉक थे, मैंने जल्दी से उनको माइन किया। साथ में एक चेस्ट भी थी और उस चेस्ट में कुछ एपिक लूट थी। पहली बार मुझे इस वर्ल्ड में इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिला था जो मेरे आगे बहुत काम आ सकता है क्योंकि ये है हार्डकोर और यहाँ पे जान कभी भी जा सकती है, इसलिए मैंने उन कलेक्ट किया और मैं वापस अपने बेस की तरफ आ गया। क्योंकि मेरे पास जितने भी शुगर केन थे मैं उनको दोबारा से रिप्लांट करने रख रहा था ताकि वो एक बार में जल्दी से ग्रो हो जाए, इसलिए डे 43 पर एक बार मैं फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक अंडर वाटर र्यून मिली, मैंने वहां से चेस्ट कलेक्ट की और मैं आगे और एक्सप्लोर करने लगा। थोड़ी देर में एक और मेरे को अंडर वाटर र्यून मिला, वहां से भी कुछ चेस्ट में लूट थी वो मैंने कलेक्ट की और मैं आगे और एक्सप्लोर करने लगा। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक शिपरैक दिखाई थी लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज रात मैं यहीं स्टे करूंगा। और जैसी मॉर्निंग हुई मैंने वहां से लूट कलेक्ट की और मैं वापस घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने के बाद अपने शुगर केन को मैंने दोबारा से रिप्लांट किया और उसके बाद से कुछ बुकशेल्फ जो भी बन सकती थी मैंने बनाई और अपनी बो को इंचेंट किया और एक बार मैं फिर से दोबारा नेदर के लिए निकल गया। नेदर पहुंचते ही जो भी मेरे पास गोल्ड था उससे मैंने एक बार फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और साथ में वहां जितने भी मुझे हॉगलिंस दिखाई दे रहे थे अपनी बो की मदद से मैं उनको भी मारते जा रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास लेदर इकट्ठा हो सके। डे 45 पे एक अच्छी ट्रेड के साथ मैं वापस घर आ रहा था और साथ में वहां पर जो भी ब्लॉक्स मैं उनको लेके आ रहा था ताकि घर आने के बाद मैं अपना घर को और सुंदर बना सकूं। घर पहुंचने के बाद नेदर और बेसॉल्ट से मैंने अपने घर के सामने एक रास्ता बनाया। उसके बाद जो भी मैं नेदर से चीजें लाया था उससे मैंने अपने घर को सजाना स्टार्ट किया। रात होते होते जैसे ही मैं घर सोने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक क्रीपर जा रहा था और वो मेरी तरफ जैसे ही बढ़ने लगा मैंने फटाफट से अपनी बो से उसको मारा और मैं सोने के लिए चले गया। डे 46 पर मैंने सबसे पहले अपने शुगर केन को दोबारा से रिप्लांट किया और अपने लिए एक AFK एरिया बनाया और मैं पूरा टाइम AFK रहा। वापस आने के बाद मैंने बहुत सारे मॉब्स को मारा और काफी सारे XP मैंने कलेक्ट कर ली और अब जाके फाइनली मैंने अपने बोट की पार्किंग के लिए एक एरिया बनाया ताकि मैं एक जगह पर अपनी बोट्स को पार्क कर सकूं और वो जगह दिखने में भी सुंदर हो। अपनी माइन के लिए स्टेयर्स लगाना स्टार्ट किया ताकि मैं जल्दी से ट्रेवल कर सकूं। डे 48 पर मैं एक बार फिर से नेदर के लिए निकल गया। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और थोड़ी देर में ही मुझे फाइनली एक और नेदर फोर्ट्रेस दिखाई दी और ये वाली फोर्ट्रेस काफी ज्यादा बड़ी थी। फोर्ट्रेस में थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे फाइनली नेदर वॉट मिल चुका था। मैंने वहां पर जितनी भी नेदर वॉट थी उनको कलेक्ट किया और मैं आगे चला गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे कुछ चेस्ट मिली, वहां पर जो भी लूट थी मैंने उनको कलेक्ट किया, कुछ ब्लेजेस को मारा और मैं वापस बाहर आ गया। वापस आते टाइम मैंने जितना भी गोल्ड इकट्ठा किया था मैंने उनसे पिगलिन से ट्रेड करना स्टार्ट किया, कुछ और लेदर इकट्ठा किया और मैं अपने पोर्टल की तरफ आ गया। ऑन डे 49 मैंने अपने नेदर वॉट का फार्म बनाना स्टार्ट किया। उसके अलावा जो भी मेरे शुगर केन थे मैं उनको बार बार रिप्लांट कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास शुगर केन इकट्ठा हो सके और मैं अपनी लाइब्रेरी कंप्लीट कर सकूं। उसके अलावा जितने भी मेरे फार्म थे मैं उन पर भी काम कर रहा था और उनको दोबारा से रिप्लांट करते जा रहा था। डे 49 की पूरी रात मैं सोया नहीं और मैं वेट करते रहा अपने शुगर केन के बड़े होने का। डे 50 क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन था इसलिए मैंने अपनी विंडो से सनराइज को एंजॉय किया। उसके बाद मैं निकल गया शुगर केन इकट्ठा करने। शुगर केन कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने रिमेनिंग बुकशेल बनाए और अपने आर्मर को इंचेंट करना स्टार्ट किया। थोड़े से आर्मर इंचेंट करने के बाद मेरी XP कम हो गई थी इसलिए मैं एक बार दोबारा से XP कलेक्ट करने AFK चले गया। XP फार्म से काफी सारे मॉब्स को किल करने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि जो मैंने एक एरिया बनाया था जहां पर मैं चाहता था कि काव वगैरह स्पॉन हो वहां पर काव तो नहीं कुछ मॉब स्पॉन हुए थे, इसलिए मैंने थोड़ी देर तक उनसे लड़ाई करी और मैं वापस अपने आइटम्स को इंचेंट करने लग गया। फाइनली अपना पूरा आर्मर इंचेंट करने के बाद डे 50 खत्म होने को था और इस तरह मैंने सर्वाइव कर लिए थे पूरे 50 दिन
हार्डकोर में एक छोटे से आइलैंड में, जहां पर जब मैं स्पॉन हुआ था मुझे लग रहा था कि यहां पर रहना शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो इस तरह ये भयानक 50 दिन सरवाइव करने के बाद मैं आज आपके सामने हूँ पूरे इंचेंटेड डायमंड आर्मर के साथ और साथ में ही अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज के साथ में। आगे की इस जर्नी को देखने के लिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।